आपको गिनाते हैं, जरा देखिए राइट टू हेल्थ में आपको क्या कुछ मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ये बिल तैयार किया जा रहा है उसमें बहुत कुछ अच्छा है। राइट टू हेल्थ से बदलेगी राजस्थान की सेहत, सरकारी अस्पतालों में सेवाओं से नहीं किया जा सकेगा इनकार, यानी हर सरकारी अस्पताल में गारंटेड इलाज मिलेगा। पीएससी सीएससी से लेकर बड़े अस्पतालों के लिए सूची बनेगी, सभी चिकित्सकीय सेवाओं की सूची अस्पतालों में चस्पा होगी, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। सूची में शामिल सेवाएं उपलब्ध कराना होगा, अस्पतालों में अनिवार्य है, आपको मना नहीं किया जा सकता। किसी अस्पताल में यदि किसी तकनीकी कारण से सेवा उपलब्ध नहीं होगी तो वैकल्पिक व्यवस्था बाकायदा मरीज को करके देनी होगी, ये जिम्मेदारी मरीज की बिल्कुल नहीं होगी। नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेने का पूरा पूरा अधिकार होगा, सिर्फ बकाया बिल के चलते निजी अस्पताल डेड बॉडी को नहीं रोक पाएंगे। इंश्योरेंस स्कीम के अस्पतालों में फ्री इलाज का पूरा पूरा अधिकार रहेगा। जिन अस्पतालों ने सरकार से रियायत ली है उन अस्पतालों के लिए बाकायदा नियम शर्तों के मुताबिक चयनित लोगों को फ्री इलाज देना होगा। सरकारी निजी अस्पतालों को मरीज या परिजनों को रिपोर्ट देनी होगी। अस्पतालों को मरीजों की बीमारी की गोपनीयता का पूरा ख्याल रखना होगा। मरीज को भेजना होगा दूसरे अस्पताल तो रेफर की जिम्मेदारी अस्पताल की होगी। मरीज अस्पताल से बिना अनुमति अगर डिस्चार्ज होता है तो भी रिकॉर्ड अस्पताल को देना होगा। दरअसल ये तो फायदे हैं, लेकिन अब विरोध किस बात का हो रहा है इसको भी जरा ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं, क्योंकि जो हेल्दी राइट की बात हम कर रहे हैं उसका विरोध हो रहा है। विधानसभा में बिल पर मंथन और सड़कों पर डॉक्टर्स उतरे हुए हैं, वो विरोध कर रहे हैं। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में चिकित्सक एकजुट हुए हैं, वो इसको लेकर कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। स्टैचू सर्किल पर चिकित्सकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया गया है। आईएमए अध्यक्ष अनुराग धाकड़ और सचिव अनुराग शर्मा ने बाकायदा मांग की है, और मांग क्या की है ये जरा देखिए। राज्य स्तरीय प्राधिकरण और जिला स्तरीय प्राधिकरण में मेडिकल कॉलेज प्राचार्य, इसके अलावा बड़े अस्पतालों के अधीक्षकों को शामिल करने की मांग उठाई गई है, ताकि दूसरे पक्ष को भी सुना जा सके। विधेयक को पारित करने से पहले चिकित्सक संगठनों से चर्चा की मांग की गई है। इसके साथ ही कई अन्य बिंदुओं को लेकर विधेयक पर सवाल उठाए गए हैं, उन अन्य बिंदुओं को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि